पूर्वी दिल्ली लक्ष्मीनगर के निवासी मार्ग के सौंदर्यीकरण पर खर्च किए गए करोड़ों रुपए पर पानी फिरता नजर आ रहा है। आलम यह है कि फुटपाथ पर गाड़ियों की पार्किंग रोकने के लिए पत्थर के जो पिलर्स लगाए गए थे, अतिक्रमण के चलते उन्हें भी तोड़ा जा रहा है, जिससे लोग फुटपाथ पर लोग आसानी से न केवल अपनी गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं बल्कि रेहड़ी पटरी भी लगा सकते हैं। वहीं विकास मार्ग में व्यापारियों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से विकास मार्ग पर सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, निर्माण करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। वहीं जो पिलर्स लगाए गए हैं वह फाइबर के हैं, जिसके अंदर रेत भरकर खड़ा कर दिया गया है। आए दिन पिलर्स टूट रहे हैं और उनका साफ कहना है कि घटिया क्वालिटी की सामग्री विकास मार्ग में लगाई गई है। वहीं निर्माण विहार और प्रीत विहार क्षेत्र में जो पिलर्स लगाए गए हैं वह पत्थर के लगाए गए हैं। व्यापारियों का साफ कहना है कि दिल्ली सरकार ने विकास मार्ग में व्यापारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। वहीं पैदल चलने वालों के लिए बनाए गए फुटपाथ पर पार्किंग रोकने के लिए PWD ने दुकानों की साइड में करीब 6 इंच मोटाई वाले बोलाइडर्स लगाए हैं, लेकिन कुछ समय से लोग इन पत्थरों को तोड़कर गाड़ियों की पार्किंग के साथ साथ रेहड़ी पटरियां लगाने की जगह बना रहे हैं। ऐसे में विकास मार्ग को सवारने पर खर्च किए गए करोड़ों रुपए पर पानी फिरता नजर आ रहा है। जिस तरह से यहां पर सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सर, सौंदर्यीकरण तो नहीं, लेकिन सर ये समस्याकरण किया जा रहा है। यहाँ पर विकास मार्ग नाम है इसका, नाम समस्या मार्ग कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि समस्याएँ बेशुमार हैं। आप उधर से मेट्रो स्टेशन की वैसे एक विश्व स्तरीय सुविधा दी गई है मेट्रो स्टेशन, लेकिन उसके नीचे जाएंगे 3-3 लेयर की अतिक्रमण हो रखा है। और सौंदर्यीकरण में बाथरूम बनाए जाते हैं, लोगों के लिए पेशाब घर बनाए जाते हैं, एक भी पेशाब घर नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं खुले में पेशाब करते हैं लोग खड़े होकर। हाँ, पिलर का ये ऐसा है कि ये यहाँ पर सौतेला व्यवहार किया गया है, क्योंकि जो निर्माण विहार प्रीत विहार की तरफ है वहाँ स्टैंडर्ड के लोग रहते हैं, तो वहाँ पर धौलपुरी पत्थर के वो ये पिलर लगाए गए हैं। और हमारी तरफ जो है ये सकरपुर की तरफ ये प्लास्टिक के इनमें बालू भर दी गई है, जो भ्रष्टाचार साफ साफ दिखाई दे जाता है। करोड़ों का प्रोजेक्ट ये बताया गया था, लेकिन एक मजाक बनकर रह गया है ये विकास मार्ग। अपना नाम बता दें। गोपाल चौहान, सामाजिक कार्यकर्ता। सर, आपने कोई शिकायत दी थी इसके बारे में, क्या क्या शिकायत? विकास मार्ग सौंदर्यीकरण को अधूरा छोड़ने के लिए दी थी एक तो मैंने, ठीक है, लक्ष्मीनगर मेन मार्केट से शकरपुर चुंगी तक का इन्होंने छोड़ रखा है, अधूरा काम छोड़ रखा है, ना नाला बनाया और ना फुटपाथ का निर्माण किया। शिकायत देते हैं हम लोग तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, अफसरों के पास जाओ अफसर ऑफिस छोड़ के भाग जाते हैं, तो ऐसा मतलब कैसे हो पाएगा विकास मार्ग का विकास? और दूसरा मामला था यहाँ पर इन्होंने घटिया निर्माण सामग्री भर के बोलार्ड लगा दिए हैं, जिससे कि अवैध पार्किंग को रोका जा सके, लगाम लगाई जा सके। मगर ये जो बोलार्ड लगाए गए हैं इनके अंदर ना सरिया सीमेंट कंक्रीट भरने की बजाय घटिया निर्माण सामग्री भर के लगाए गए हैं, जो हल्की टक्कर लगते टूट टूट के गिर रहे हैं। यहाँ पे पब्लिक का इससे लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, गाड़ी कपाई का नुकसान हो रहा है। हमने इसकी शिकायत जो है प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियंता पूर्व अशोक कुमार राजदेव, मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार तक को दे रखी है, मगर अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसा लगता है कि ऐसा सबके सब इस भ्रष्टाचार में शामिल हो गए हों। क्या नाम है आपका? सत्यवीर अग्रवाल। देखा गया कि आपकी दुकान भी है, काफ़ी समस्या यहाँ पे फुटपाथ भी टूट गए, क्या कहते हैं? मैं ये जो सरकार ने सौंदर्यीकरण किया है उससे मतलब जैसे लोग हम लोग जो है खाई से निकल कुएं में गिर गए हैं। आप ये देख सकते हैं कि मेरी दुकान जो है, ये मेरी क्या सभी की दुकानें हैं जो पहले रोड लेवल पे थी, आज वो 2-2 फुट नीचे हो गई हैं। उसके बावजूद भी सौंदर्यीकरण के नाम पर हमारे साथ धोखा हुआ है। आज जितनी भी आज जो फुटपाथ बनी है, जो भी कुछ बनी है, इसमें महा घटिया प्रकार का मटेरियल लगाया है, और अभी सौंदर्यीकरण पूरा भी नहीं हुआ कि अभी से जल बोर्ड ने और दूसरे डिपार्टमेंट ने इसकी खुदाई चालू कर दी है। तो मैं इसके LG साहब से मैं निवेदन करूँगा कि इस पूरे कार्रवाई का जो है ना, इसका जो है आप जो है इसका इसकी इंक्वायरी करवाई जाए और देखा जाए कि लिप्त लोगों को उसको जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको उसका सजा दी जाए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।